अभी को जय हिंद साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता, आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दे रखा है। बहुत सारे लड़के हैं जो कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अभी डाउट में है कि मुझे फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ मेरा फिजिकल के लिए नाम आएगा या नहीं। तो आज सभी भाइयों का डाउट होगा क्लियर, क्योंकि आज मैंने फिर अपने एकेडमी में सभी 64 लड़कों का बैच था, जो कि सभी लड़कों से मैंने रिव्यू लिया और सबसे मैंने पूछा कि भाई एकदम सही सही बताना तुम्हारा यूपी पुलिस में क्या स्कोर कितना है। तो सब ने अपना अपना स्कोर बताया। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि वीडियो में कमेंट भी किए तो इनका फर्जी स्कोर है। अगर इनका फर्जी स्कोर हो तो भाई कोई आगरा से आया है प्रैक्टिस करने, कोई पंजाब से भी आया, कोई हरियाणा से भी आया, कोई बिहार से आया, कोई सुल्तानपुर से आया, कोई प्रयागराज से आया, मतलब हर जगह से लोग आए अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए, और आप लोग बोल रहे हैं सब फर्जी है, इनका इतना नंबर नहीं है। वहाँ पे हमारे एकेडमी ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कि तीन तीन चार चार बार अपना रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद किसी फाइनल में रह गए, कोई मेडिकल में रह गए, और यूपी पुलिस का काफ़ी दिनों से उनका इंतज़ार था। इंतज़ार जब पेपर हुआ, पेपर के बाद तुरंत उन लोग आए फिजिकल की तैयारी करने, तो इनका स्कोर ज़्यादा है तभी यहाँ पर आए हैं तैयारी करने। जिनका अभी जो डाउट में अभी वो घर पर तैयारी कर रहे हैं या तो अभी बंद किए हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं वीडियो लेके आया हूँ। यूपी पुलिस फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी और फाइनल की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आपको वीडियो में बने रहना है और देखना है। आपने थंबनेल में पीछे सब कुछ देख लिए हैं किस लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलते हैं, एक बार हमारे चैनल पर जाइएगा, जो मैंने आज रिव्यू का जो वीडियो लिया हूँ, बच्चे से बात किया हूँ, उसको देखिएगा, और जो मैंने आज कट ऑफ लेके आया हूँ इसको पूरा बरोबर एकदम कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे तरफ से आप लोग सभी फिजिकल की तैयारी करने में लग जाइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, शायद इसी लास्ट मंथ में आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, फिर फिजिकल के लिए आपको टाइम मिलने वाला नहीं, इसीलिए आपके साथ प्रयागराज फिजिकल एकेडमी साथ में है। तो आप लोग लग जाइए फिजिकल तैयारी करिए। और चलिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो चल रहा है कि कट ऑफ के बारे में लेके आया हूँ वीडियो, कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये कट ऑफ आ चुकी है। एक दिन पहले मैंने बताया था कि गर्ल्स की कट ऑफ, आज मैंने लेके आया हूँ बॉयज़ की कट ऑफ, जो कि बहुत ही बढ़िया कट ऑफ लेके आया हूँ। और बहुत सारे चैनल पे वीडियो डली हुई है, हमारी भी कट ऑफ मिला लीजिएगा और उनकी भी कट ऑफ मिला लीजिएगा। मेरे को कोई अनुभव नहीं है, पर हज़ारों कॉल आते हैं पूरे दिन में, हम अटेंड भी करते हैं, आपको दिखा भी दे दें, नहीं तो आप लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। ये अपना फ़ोन है और ये मिस कॉल है, और आधे दिन पूरे दिन कॉल भी अटेंड करते हैं। और सभी लड़कों को, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबका डाउट यही रहता है कि सर आपके एकेडमी जितने लड़के तैयारी करते हैं उनका स्कोर कितना है, मेरा स्कोर इतना है, मुझे तैयारी करना चाहिए या नहीं। अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब हुआ है आपको पता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ करीब एक महीना हो गया। एक महीने से अगर मैं कॉल, अगर एक दिन के पर डे के अगर एक हज़ार कॉल मेरे चैनल पे आ रही है मेरे फ़ोन नंबर पे, तो 30 दिन हो गया, 30,000 लड़कों ने कॉल कर चुका होगा, और उसके बाद हमारे यहाँ तैयारी भी करते हैं। तो इसीलिए सबका कट ऑफ इतना पता चल जाता है कि किनका कितना नंबर है, उसी हिसाब से मैंने कट ऑफ की वीडियो लेके आया हूँ। और मैंने सीपीओ की भी कट ऑफ बताया था, वो भी एकदम सही था, आर्मी कट ऑफ बताया, एसएससी जीडी की कट ऑफ बताया, अब आपको कौन सी कट ऑफ बताओ। इसलिए मैंने यूपी पुलिस के जो लड़के परेशान थे उनके लिए कट ऑफ लेके आया हूँ। तो आपको कट ऑफ ये आपको देखना चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मेल के लिए कट ऑफ है, जो कि जर्नल के लिए, जर्नल भाई जो मैंने कट ऑफ लिया हूँ बहुत ही बढ़िया है। आप लोग ये मत बोलिए कि ये फर्जी है, कुछ नहीं आता, तुम कभी पेपर दिए हो क्या बता रहे हो, तो भाई पेपर नहीं दिए, पर जिस चीज़ में हमारा फिजिकली है, फिजिकल में आके मिलिए, फिजिकल में हमारा बढ़िया। अब रिटर्न की हम तैयारी नहीं करते, तो आप रिटर्न की बात करते हैं। हर आदमी के पास एक ही नहीं होता कि सब कुछ पूरा एक लेवल जैसे रहता है, फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल में आके मिलो, जिस दिन रिटर्न की तैयारी करेंगे रिटर्न में मिल लीजिएगा। तो ये जर्नल के लिए कट ऑफ है, जो कि 200-210, मतलब अगर 200 के करीब है आपका तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। 200 से लेके 210 तक है, ये फाइनल तक की जा सकती है 210, और 200 में आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और 210 तक है तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका 100% है। इसमें दो नंबर चार नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, अपने हिसाब से आप मिला लीजिएगा। मैं एकदम इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि आपको मैंने बोल दूंगी 80 क्वेश्चन पे आपका होगा तो 80 ए पे होगा, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे आपका होता रहेगा, पर आपको इस लेवल पर इतने क्वेश्चन है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। जर्नल 200-210 तक है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपका इतने में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेरी उम्मीद है, जो हमारे लड़के हैं यहाँ पे जिनकी तैयारी हम करवाते हैं, उनका रेशियो और अपना और जितने दिन कॉल आता है सबका मिला के मैंने कट ऑफ बताया हूँ, तो ये परफेक्ट कट ऑफ है। और ओबीसी के लिए 195 और 205, मतलब 195 और 190
है अगर आपका, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। इसमें 2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, ये हर एग्जाम में होता है कि जो भी कट ऑफ आती है एकदम क्लियर नहीं आती, ऊपर नीचे इस लेवल तक आपका रहेगा, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। 195 और 205 तक OBC की आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और 208 भी पहुँच जाएगा और 200 भी पहुँचेगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अपने दिमाग बैठा लीजिए और करिए तैयारी, नहीं करेंगे तो आपको बाद में रोना पड़ेगा या तो पछतावा होगा। तो अभी से लग जाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, इसी लास्ट मंथ में आपका रिजल्ट आने वाला है। और EWS, बहुत सारे भाई हैं जो बोलते हैं कि OBC से EWS की कट ऑफ कम जाती है। हाँ भाई कम जाती है, 1-2 नंबर, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ज़्यादा कम जाती है, 10 नंबर 15 नंबर, 1-2 नंबर ऊपर नीचे या तो बराबर में रहती है। तो EWS की 192 और 204, 194 भी हो सकती है, 195 हो सकती है, इधर 204 मैंने बताया, 206 भी हो सकती है फाइनल के लिए, और 190 भी हो सकती है। तो इतने में ही आपका ये घूमता रहेगा, जो स्कोर है आपका इतने में घूमता रहेगा। अगर इतना आपका रहेगा तो आप फिजिकल तैयारी करके ये फाइनल तक आपको ले जाएगा, और फाइनल तक अगर आपका इतना रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है 200 भी रहेगा, 200 के अंदर भी रहेगा तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो EWS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं भाई, फिजिकल की तैयारी करिए, एक बार हमारे कहने पर लग जाइए और करते रहिए। नहीं हो रहा तो आइए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी, यहाँ पर आपका 100% फिजिकल पास करवा के दिया जाएगा। और SC के लिए सबसे बड़ा चांस होता है कोई भी पेपर हो, भारत तो कोई भी एग्जाम हो, SCU के लिए बहुत ही फायदा होता है, STU के लिए बहुत ही फायदा होता है। जितने भी SC ST हैं अगर एग्जाम दिए हैं तो भाई, अगर जो मैंने स्कोर जो लेके आया हूँ, जो कट ऑफ लेके आया हूँ, आपको इसको देखना है, और इसी कट ऑफ को देखने के बाद अपना फिजिकल की तैयारी करना है। जैसे कि 180 और 190, भाई 175 भी हो सकता है, ठीक है, और इधर ये 85 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ये तुम्हारे दिमाग में ये घूम रहा है कि इतना मैंने करके आया हूँ, तो भाई घूम रहा है, तो ये तुमको फाइनल तक भी ले जाएगा, ये वर्दी भी दिलाएगा। तो जितने भी SC के कैंडिडेट हैं भाई, अगर इतना है तो आप करते रहिए तैयारी। हमारे पास काफ़ी लड़के हैं SC वाले, 90 भी क्वेश्चन है, 95 भी है, 114 भी क्वेश्चन है, 120 भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर अगर आप इतने के अंदर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसमें 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है, 2-4 नंबर घट भी सकता है, ये पूरे जो मैंने कट ऑफ बताया इसमें घटता और बढ़ता रहेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मेरा एक अनुभव था, और आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करिए। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, अपने से आपका भरोसा है, तो कोई बात नहीं, आप फिजिकल तैयारी करते रहिए, आपको सब कुछ पता है कि मेरा स्कोर कितना है, तो दबा के बस दौड़िए और फिजिकल क्वालिफाई करिए। तो SC के लिए 180 और 190, 185 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, 195 भी हो सकता है, 188 भी हो सकता है। अगर इतने के हेर फेर है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, फिर आएगी ST की बात। देखिए ये कट ऑफ जब जनरल की बनती है, जनरल के बाद OBC, OBC के बाद EWAS, फिर SC, फिर ST, और ये जर्नल से करीब 30 नंबर कम ST की कट ऑफ जाती है, और SC के 25 से 20 तक जाती है। तो इतना अंतर होता है, और जर्नल से और ये OBC से 8 नंबर 7 नंबर का फर्क होता है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा, होता है 100% होता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो ये सब अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ST के लिए 175 है भाई, अगर 170 भी है ना तो तैयारी करते रहिए, बहुत ही कम संख्या होती है जो कि ST के, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ST हूँ मैं तो मेरे 175 भी है, भाई मार के 210 भी लाया होगा, ऐसा नहीं है, 205 भी लाया होगा, इससे ज़्यादा भी होगा और इससे कम भी होगा, 190 भी होगा, 195 भी होगा। तो ये सब स्कोर घटता बढ़ता रहता है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो वीक भी होते हैं, तो अपना अपना लेवल देख के आप कट ऑफ जो है, अगर इतना स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। 175 और 182 तक है अगर आपका, तो ये फाइनल सिलेक्शन, इधर जितना मैंने 210, 205, 204, 190, 182 जितना मैंने बता रहा हूँ, ये आपको फाइनल तक ले जाएगा। तो ये आपकी कट ऑफ की वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी इसमें गलती है अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करें। जय हिंद।